नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज इन और मैं हूं राजू शर्मा। हमारे साथ इस समय पूरी टीम मौजूद है। हमारे साथ पूरी टीम है यहाँ पर, उनसे हम रूबरू होते हैं, प्रोग्राम के विषय में भी जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम जी। किस तरीके का शो है, क्या बताना चाहेंगे शो के विषय में? सर, एक्चुअली ये शो जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर हम लोग इलाहाबाद में कर रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हैं महिलाओं को, मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी ज़्यादा समस्याएं फेस करती हैं महिलाएं हर एक चीज़ में। उन्हें घर से निकलने में भी दिक्कत होती है और छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं जो शायद अभी हम अगर स्टेप नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी देर होने वाली है। तो उसी को लेकर हम लोगों ने ये फैशन शो के ज़रिए से एक सोसाइटी को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अभी ये टाइम है महिलाओं को आगे लाने का, उनको एक अवसर देने का कि हाँ ठीक है, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हो। अंजलि जी भी हमारे साथ है। अंजलि जी, किस तरीके का शो है, शो के विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? सर बिल्कुल, ये जो शो है वो पूरा का पूरा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे शहर की लड़कियां हैं जिनको दिल्ली मुंबई जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिकली जो उनको घर से और बहुत सारी जगहों से इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हमने सोचा कि हम उस लेवल का, उस स्टैंडर्ड का हम क्यों ना वो शो हम अपने प्रयागराज में करें जो कि काफ़ी पीछे चल रहा है फैशन शो को लेके। तो हमने इसलिए प्लान किया हमारी पूरी टीम ने, केडी इवेंट्स ने, और बेसिकली फिर जैसा भी है आप लोगों के सामने है। प्रयाग फैशन फेम, पहले बस इस नाम में ही एक पूरा एक वाक्या है कि प्रयागराज में जो फैशन की दुनिया इस वक्त डेवलप्ड हो रही है, हमारी इंडिया जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे हमारा एक छोटा सा शहर प्रयागराज इस लाइन में बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले हमारे शहर में ऐसा नहीं होता था, अभी काफ़ी अच्छे से शोज हो रहे हैं और ये शो अभी तक का सबसे बिगेस्ट शो होने वाला है क्योंकि यहाँ के कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं। पहले चीज़ की एक लेवल है इस शो का और बहुत फ्री ग्रूमिंग यहाँ पर हो रही है, मतलब ये शो सिर्फ एक टैलेंट को लेकर हो रहा है, इसमें कोई किसी का फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे प्रयागराज में हो रही है। प्रयागराज फैशन फेम, फैशन की दुनिया में एक नया नाम प्रयागराज का जाएगा। हमारे शहर से इससे पहले ही बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जा चुकी हैं बॉलीवुड। फिजा आज जजिंग के लिए आई हुई हैं, कैसा लगा टैलेंट, कैसा लगा लड़कियों के अंदर प्रयाग? लड़कियों का टैलेंट, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतरीन है और जिस तरह से उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सारी 15 ईयर्स 18 ईयर्स 21 इवन मैरिड गर्ल्स आर ऑल्सो देयर, उनका पेरेंट्स सपोर्ट करें, उनके हस्बैंड, उनकी लॉ फैमिली उन्हें सपोर्ट करें, तो देख के ये मुझे बेहद खुशी हो रही है कि प्रयागराज में ऐसी सोच बदल रही है। और ये सोच बदलने वाली केडी इंटरटेनमेंट्स है कि इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया कि लोग यहाँ पे आके अपना टैलेंट दिखा सकें, अपने आप को यहाँ पर साबित कर सकें, उनके फैमिली ने उनको सपोर्ट किया और केडी इवेंट्स वालों ने ही उनको ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं यहाँ पे हूँ, आई वुड लव टू थैंक केडी इवेंट्स कि मुझे भी ये टैलेंट देखने का मौका मिले, दुनिया को दूसरी नज़रिए से देखने का मुझे एक मौका मिला है। सेलेक्टेड कैंडिडेट का आगे यहाँ सेलेक्टेड के बाद उनको कहाँ तक भेजा जाएगा? जो अभी आज शायद हम टॉप 30 कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे और बहुत सारे आए हैं तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि एक एक को उनके टैलेंट देख के, उनके राउंड्स देख के उनको सेलेक्ट करूँ। तो ये एक लेवल है शो को, खुद ही आप देख रहे हैं, तो यहाँ से जब जो कंटेस्टेंट सेलेक्ट होंगे उनके आगे की शो में हम भेजेंगे उनको, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक टाइटल होगा। जैसे कि मैं भी एक टाइटल होल्डर हूँ, पहले मैंने मिस दिल्ली का खिताब जीता था, अभी मिस इंडिया दीवार का खिताब जीता है, तो वो होता है एक प्रोग्रेस होता है एक के बाद एक, तो वो हम अपने शहर से उनको भेजेंगे। मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट इसलिए कर रही हूँ कि एक मॉडलिंग लाइन हर किसी को लगता है कि गलत है, पर ऐसा नहीं, मॉडलिंग है डिपेंड इज योर, मतलब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। मॉडलिंग एक लाइन है कि आप हर चीज़ पा सकते हो, इंजीनियर डॉक्टर हर कोई बनता है पर हर कोई नहीं जानता है कि क्या है कौन है, पर मॉडलिंग या फेम एक ग्लैमर्स की दुनिया ऐसा है कि पूरी दुनिया आपको जानती है और अगर फैमिली का सपोर्ट है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। बेसिकली कि मेरा फैमिली का सपोर्ट है इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरी फैमिली में किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता है, हर चीज़ करने के लिए अलाउ होता है। और वैसे अगर मैं बोलूँ मॉडलिंग के बारे में तो मॉडलिंग इट्स माय पैशन, मेरा ये हॉबी है, ये मेरी फैमिली मेरे को बनाना चाहती है। माय नेम इज़ प्रीति मिश्रा, मिसेस प्रीति मिश्रा, 27 ईयर ओल्ड, एंड मुझे
बचपन से मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। घर का कितना सहयोग मेरी फैमिली हस्बैंड मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने बोला है कि ठीक है जॉब में जो करना है करो, तो थैंक यू। वर्किंग में भी और आपको इसमें डिस्टर्बेंस नहीं महसूस हो रहा है? मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, बहुत अच्छी, और देश को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, लाइक मैं मोदी जी के साथ काम करना चाहती हूँ आगे जाके। और मुझे फैमिली सपोर्ट, मैं मतलब बहुत बना के नहीं बोलूँगी घूमना है, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं, मुझे उनको दिखाना है कि लड़कियाँ कुछ मैं कुछ करूँ। मिला लेकिन सेकेंड ऑडिशन जैसे ही हुआ तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे लड़कियों का, काफ़ी लड़कियों ने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और पार्ट भी बहुत बढ़ चढ़ के लिया, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम इस शो को बहुत अच्छे से एक लेवल दे पाएंगे जैसा कि यहाँ की लड़कियाँ चाहती हैं। फिजा जी आप भी हैं और इलाहाबाद से भी ताल्लुक़ रखती हैं, उसके अलावा आपका नाम पूरे इंडिया में मशहूर है, तो कैसा लगा प्रयागराज के अंदर एक तरीके का शो, क्योंकि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है इलाहाबाद के अंदर और फिर आप इस मुकाम पे पहुंची हैं आज, तो क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? बिल्कुल, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है कि मैंने यही स्ट्रगल किया, यही वक्त था मेरा अभी 2.5 साल पहले का कि मुझे इलाहाबाद में ये लेवल नहीं मिला था जी। तो शायद मुझे दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ता, अगर जैसे ये शो अब हो रहा है एक लेवल का शो बढ़िया हो रहा है, अगर मेरे टाइम में मिलता तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, जैसे कि एम ने कहा कि यहीं पर मुझे वो सारी चीज़ें करवानी, लड़कियों को बाहर जाना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, अपने शहर में ये चीज़ होगी। और सबसे बेस्ट चीज़ इस शो की ये है कि सब मिस और मिसेस दोनों कैटेगरीज का शो ये हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे हो रहा है, नारी शक्ति पे हो रहा है, या कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, हाइट की बाउंडेशन नहीं है, बस आप सोच अपनी बढ़िया लेकर आइए और अपना टैलेंट दिखाइए, तो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है। प्रयाग फैशन फेम एक फैशन की दुनिया में अलग नाम है, और प्रयागराज को इसी के बहाने हम और आगे बढ़ाएंगे। और प्रयागराज की जनता से हम कहेंगे कि अपनी सोच बदलिए, देश बदलिए, राष्ट्र बदलिए, लेकिन जिस तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है प्रयागराज के लिए वो गौरव की बात है। मैं राजू शर्मा अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रयागराज।